अगर वो भी मुझसे प्यार करती है तो वो मुझे पलट कर जरूर देखेगी। पलट 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 जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बंधु, अगर ये संवाद भूले से भी आपके मस्तिष्क में ना आया हो तो विश्वास मानिए, आप बॉलीवुड के क्षेत्र में परम अज्ञानी कहलाएंगे। ये उस फिल्म के संवाद है जिस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति तक फिदा थे, और ये वो फिल्म है जिसके कारण एक थिएटर का खर्चा पानी आज तक चलता आ रहा है। सही अनुमान लगाया। ये संवाद है 1995 में प्रदर्शित दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो अपने समय की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक थी। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका TFI पर, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराता हूं DDLJ की उस दुनिया से जिसे आपने ना देखा ना सुना होगा। तो आओ, 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 आओ। जैसे हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, वैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तारीफ में देश के कथित सिनेमा प्रेमी और क्रिटिक कुछ भी कहें, परंतु ये कथा वाचन छोड़िए, मनोरंजन से भी इस फिल्म का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वंशवाद, छेड़छाड़, नारी शोषण, भारतीय संस्कृति का उपहास, घटिया पेरेंटिंग, दकियानूसी विचार, आप जो भी सोच सकते हैं, इन सभी कुत्सित विचारों को इस फिल्म ने बढ़ावा दिया है। कबीर सिंह जैसी फिल्में तो वामपंथियों ने फालतू में बदनाम कर रखी है। असल विष तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में समाहित है बंधु। वो कैसे? बात करें अगर नारीवाद की, तो अक्सर वामपंथियों की दलीलें आप सुनेंगे, यदि रहना है देरे दिल में, कबीर सिंह जैसी फिल्मों ने कुत्सित विचार वाले घृणित नारी विरोधी नायकों को बढ़ावा दिया है, और कैसे उनके मुकाबले दिल धड़कने दो, DDLJ, गली बॉय इत्यादि के पुरुष नायक समाज के लिए मिसाल है। लेकिन जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का उल्लेख किया जाता है तो इन्हीं वामपंथियों को सांप सूंघ जाता है। यदि रहना है देरे दिल में के मैडी या कबीर सिंह का कबीर सही नहीं है, तो DDLJ का राज मल्होत्रा कौन से आदर्श पुरुष है भैया? अब बात शुरू ही हुई है तो राजबंधु के जन्म पत्री पे भी संपूर्ण प्रकाश डालते हैं। ये संसार के एकमात्र ऐसे विचित्र प्राणी हैं जिनके पिता इनके फेल होने पर इनको मारते या झिड़कते नहीं, उल्टे प्रशंसित करते हैं और इनके साथ पार्टी करते हैं। वास्तव में इतनी हेकड़ी से अगर हमने कभी अपनी छठी के कक्षा का रिजल्ट अपने पिताजी को बताया होता, अब तक चप्पलों की वर्षा हो गई होती। लेकिन पिता पुत्र के बीच का संबंध ऐसे अतार्किक और अजीबोगरीब तरीके से हुआ है जिसे देखकर कोई भी अपना माथा पीट सकता है। परंतु ऐसा लगता है कि फिल्म में पिता पुत्र की इस जोड़ी से प्रभावित होकर कूल डैड का जो चित्रण फिल्म में किया गया है, वही शाहरुख ने असल जीवन में भी अपनाया, और नतीजा सबके सामने है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है सुनीता, कोई रोमांटिक डायलॉग नहीं है। ये वास्तव में बॉलीवुड के चारित्रिक पतन का वो प्रतीक है जिस पर लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसी के कारण भारतीय फिल्म उद्योग के पास पूरी क्षमता होते हुए भी वह विश्व का सबसे बेहतरीन फिल्म उद्योग नहीं बन पाया। हम बात तो बहुत करेंगे नारीवाद की, लेकिन नारीवाद की धज्जियां उड़ाने में भी सबसे आगे रहेंगे। शाहरुख यानी राज काजोल यानी सिमरन से कहते हैं कि नशे में सिमरन ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद काजोल रोने लगती है। फिल्म में राज तब कहते हैं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है सिनोरिटा। इसके अलावा फिल्म के एक दृश्य में सिमरन की माँ उसके भाप लेने पर कहती है कि इससे क्या होगा, तुम्हारा रंग क्वीन एलिजाबेथ जैसा हो जाएगा। अब भाई ये बताओ, भारत में जहां पर भगवान कृष्ण की पूजा होती है, जहां पर श्री राम से लेके महादेव, श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण सबको मेघवर्ण का बताया जाता है, जहां माँ काली की पूजा होती है, वहां जनता द्वारा ऐसे रंग भेद से प्रेरित डायलॉग कैसे पसंद किए जाएंगे? अब बात चारित्रिक पतन पर भी आई है तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के और खतरनाक पहलू पर भी लाइमलाइट डालते हैं। आजकल भारतीय संस्कृति को गाली देना, विदेशी संस्कृति को कूल ठहराना बहुत आम बात है। परंतु क्या आपको पता है कि DDLJ ने ही संस्कृति की नींव रखी थी? बिल्कुल। इस फिल्म में ऐसी कई बातें हैं जो वास्तव में चिंताजनक थी, लेकिन उन्हें ऐसे दरकिनार किया जाता है जैसे चीन में लोकतंत्र को और यूरोप आव्रजन से होने वाली समस्याओं को करता आया है। उदाहरण के लिए फिल्म की नायिका एक ऐसे परिवार से आती है जहां अपनी मर्जी से जीना तो दूर, एक छोटा सा काम करने के लिए भी याचना की दृष्टि से देखना पड़ता है। महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह
बचपन में ही तय कर दिया जाता है, और भारतीय परिवार विशेषकर चौधरी बलदेव सिंह जैसा परिवार तो इतना दकियानूस होता है कि वे विदेश के कबूतरों तक को अपना नहीं मानते। अंत में जब वे जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी कहते हैं, तो क्या वे नारीवादियों के लिए मिसोजिनी या नारी विरोधी मानसिकता का प्रतिबिंब नहीं होता? आप के फेमिनिस्टों, यहां भी तो नायिका को अपने पिता यानी एक पुरुष से अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए आज्ञा लेनी पड़ी थी। मां की स्वीकृति उसकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, और इन्हीं आदर्शों के बल पे बॉलीवुड हमको ज्ञान देता है। अरे भैया, ये तो वो बॉलीवुड है जिसको ये तक नहीं पता कि लाल बाल पाल में लाल लाला लाजपत राय थे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं। आखिर आज भी अगर सोचा जाए तो किसी ना किसी फिल्म ने किसी ना किसी रूप में समाज को कुछ ना कुछ सीख तो दी ही होगी। परंतु डीडीएलजे ने कह दिया, हम पे अनेक धारणाएं थोपी, भारतीयों को फिर से रूढ़ियों में जकड़ा, नारी विरोधियों का महिमा मंडन किया, और आपके जीवन को बर्बाद कर उसे खैरात की भांति सौंपना तक कूल बना दिया, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है भैया।